देखो दिस इज मेन कोड है, बिल्कुल बराबर है। मेन कोड में क्या होगा, 230 वोल्ट आ जाएगा, एक डायरेक्ट रिले में जाएगा ये सप्लाई मेन कोड का, बिल्कुल बराबर फेज। और इसका एक न्यूट्रल है जो है पीसीबी में आ जाएगा, पीसीबी में आ जाएगा न्यूट्रल, बराबर है। और रिले से और एक वायर जाएगा थर्ड, जो है कम्युनिकेशन नहीं लेकिन सीपी बोलते हैं ना हम लोग, सीपी जो 3 मिनट के बाद ऑन होता है, कंप्रेसर का पावर सप्लाई देता है 3 मिनट, सीपी का जो वायर है ना जो 3 मिनट के बाद का होता है वो। और एक वायर आता है इसमें चलता नहीं, नहीं वो तीन मिनट टाइम किधर से निकलता है, 3 मिनट का प्रोग्रामिंग ही ना इसमें, टीडीआर जिसको बोलते हैं, टाइम डिले सिस्टम इसमें ही है ना, पीसीबी के अंदर प्रोग्रामिंग किया हुआ है वो। ओके ठीक है, उसके बाद और एक वायर है कम्युनिकेशन, यानी टोटल 4 वायर आता है इंडोर में इन्वर्टर एसी का, बराबर है। ठीक है, अभी जैसा ये हम लोगों ने कमांड दिया है इसको चालू कर दिया तो ये सप्लाई जाएगा कहाँ पे, इसमें, हाँ यानी पहला चालू हो गया यहाँ से आके, ये ट्रांसफार्मर जो है एसएमपीएस इसमें आ जाएगा वोल्टेज, वो क्या करेगा यहाँ पे है देखो, यहाँ से 15 वोल्ट और 12 वोल्ट और 5 वोल्ट डिवाइड करेगा, ठीक है, ये 5 वोल्ट और 12 वोल्ट यहाँ से डिवाइड हो जाते हैं, ये देखो ये 7805 है, ठीक है, वो क्या करता है यहाँ से उसको डिवाइड करेगा, जिसको आईसी के लिए कमांड जाएगा, इसको 5 वोल्ट जाना है वो दे दिया, ठीक है बराबर है। और यहाँ पे आपको 12 वोल्ट मिलेगा, ठीक है सर, बराबर ये जब जाएगा अंदर तो ये देखो इसमें ना रिले पे है ना लिखा रहता है वोल्टेज भी, हाँ रिले पे ये देखो ये 250 वोल्ट है, 20 एम्पीयर है, बराबर है। और ये बाजू में है 12 वोल्ट है, ठीक है, और ये बाजू में 12 वोल्ट है या किसी में 28 वोल्ट भी आता है, कोई 25 वोल्ट, ये जो 12 वोल्ट मिल जाता है, जैसा ये 12 वोल्ट मिल गया रिले ऑन हो गया, रिले ऑन होने के बाद ये कमांड दे दिया इसको, बराबर है। ये एक हो गया सप्लाई का आउटडोर के लिए, उसके बाद फेस का, बराबर हाँ। इसके बाद साथ साथ में क्या होता है, जब 230 वोल्ट इसमें जाता है इसमें से, तो ये जो मैं बताया था थोड़े पहले आउटडोर का पीसीबी में 230 वोल्ट आता है, तो ये पीसीबी जो है ये अलग टाइप का है, इसमें वो वोल्टेज इसमें आएगा 230 वोल्ट इसमें जाके, ये जो 3 रजिस्टर लगे ना 8K के लगे, बराबर है, इसमें जाके ये वोल्टेज यहाँ पे जाएगा और वेरी होगा, ये वेरिस्टर है इधर देख रहा है, ये वेरिस्टर से जाके इसमें से वो फोटो सेल जो है, अच्छा यहाँ पर थर्मोकपलर वो लगा हुआ है, ऑटो कपलर लगा हुआ है वहाँ पे, वो वेरी होते रहेगा, यानी जो 50 वोल्टेज जो आपका फिक्स मिल गया यहाँ पे, आपको जब तक आपका आउटडोर अटैच नहीं होता है तब तक आपको फिक्स वोल्ट मिलेगा, मतलब 50 वोल्ट देगा, हाँ जो भी है वो डिजाइन के हिसाब से, डीसी वोल्ट फिक्स रहेगा मॉडल के हिसाब से, एसी सॉरी डीसी वोल्ट 25 रहेगा 40 रहेगा, जो फिक्स रहेगा वो रहेगा, आइडियल जो भी है फ्लक्चुएशन नहीं रहेगा, अब फ्लक्चुएशन कैसा होगा, एक डिग्री यानी 50 वोल्ट रहेगा तो 49.50 ऐसा ही रहेगा, जैसा ही आउटडोर कनेक्ट करता है तो वो वेरी वेल चालू होगा, बिकॉज ऑफ ये है इधर, ठीक है ये जिनर बिनर लगे वो दो बार डीसी में, ओके ये अभी खत्म हो गया बात, समझ में आया ना। इसके बाद कैसा होता है, इसके बाद चालू होने के बाद अपना कुछ सप्लाई इंडोर मोटर में भी चला जाता है, बिल्कुल बराबर है। इंडोर मोटर में चेक करना है तो देखो यहाँ पे आपका उसका कनेक्टर है यहाँ पे, देख रहे ये 3 पॉइंट है, ये 3 पॉइंट ऐसे भी देख लो और ऊपर से भी देख लो, ऐसे भी देख लो, और ये कनेक्टर जैक ऐसा बैठता है, देख रहे फ्रंट साइड में फैन का मेन बराबर है, ये 3 फैन का बैठ गया है मेन, ऐसा कनेक्टर बैठ जाता है। अभी ये 3 वायर जो है अभी पता नहीं है ना हम लोग को कौन सा हाई स्पीड लो स्पीड क्यूज भी नहीं है, ये वोल्टेज के ऊपर चलता है, बिल्कुल बराबर है। अब यहाँ पे क्या देखना है, ये जो 3 पिन है यहाँ से पिन को आपको डायग्नोस करना है, ये कहाँ पे गया है यहाँ पे बराबर है। तो ये पिन जो गया है पहला ही पिन है यहाँ पे, उसके साथ साथ क्या क्या लगा है, न्यूट्रल भी लगा है देखो, न्यूट्रल भी लगा है ना, तो यानी ये पहला पिन में न्यूट्रल गया है और एक पॉइंट है उसका कैपेसिटर का भी, तो न्यूट्रल से यानी हाँ यानी इसका जो पहला पॉइंट है ये कॉमन पॉइंट हो गया, ठीक है बराबर है, यानी न्यूट्रल मिल गया इसको, न्यूट्रल है बिल्कुल, हाँ ये कॉमन नहीं है, ये है रन न्यूट्रल रन का कॉम्प्रेसर का सॉरी ये मोटर का रन है बराबर है। अब इसका जाएगा दूसरा पॉइंट कहाँ पे, ये जो गया है यहाँ पे, ये दूसरा सॉरी ये कैपेसिटर का दूसरा पॉइंट कहाँ पे गया, यहाँ पे है, तो ये पॉइंट है बीच में, यानी जो ब्लू वायर है ये आपका स्टार्ट और स्टार्टिंग है सबसे हैवी, हाँ हैवी वाइंडिंग, बराबर है, ये 260 और 280 के आसपास ये वोल्टेज निकलेगी,
मोटर हाँ, के लिए यही ये है जो सर? ये जो मिला आपका रन भी मिला और ये स्टार्ट भी मिला हाँ, अब बचा है वो कॉमन नहीं रहेगा तो यानी यहाँ पे डायरेक्ट आपको 230 का फेस आ जाएगा हाँ, फेस आ जाएगा यानी कभी भी आपका प्रॉब्लम होता है 220 जो भी कॉमन कभी भी बोलते हैं ना पीजी मोटर चालू करना है डायरेक्टली नहीं कर सकते ये डायरेक्टली ऐसे चालू भी कर सकते हैं सर विदाउट एपीसीबी और विदाउट ए वायर कौन आप, कौन से वायर आप, में लगाना होगा सप्लाई ये किनारे किनारे पे हाँ, ये डिपेंड्स है याद रखना ये कलर कोड अलग अलग लेकिन ये आपको डायग्नोस करना है कि इसको सप्लाई आएगा इसमें कैपेसिटर बैठेगा दो में और इसमें से एक सप्लाई आएगा और चालू हो जाएगा बराबर ये पीसीबी का क्लियर मोटर का क्लियर अभी ये है ये मोटर का दूसरा पार्ट वाला लो स्पीड है नहीं नहीं ये जो पीसी मोटर वोल्टेज ये पीसी मोटर में देखो इधर किधर रिले नहीं है पीसी मोटर में रिले नहीं आता है पीसी हाँ। मोटर में वोल्टेज पे काम करते हैं यानी 180 वोल्ट आएगा 175 वोल्टेज आएगा उसका स्पीड कंट्रोल हो जाएगा वो ये निकालेगा हाँ। वो ये निकालेगा हाँ। पीसीबी निकालेगा उसको ओके स्पीड के लिए कंट्रोल है वो अब नेक्स्ट फीडबैक वायर नेक्स्ट फीडबैक है उसका फीडबैक वाला ये है ये तीन वायर वाला ये जो तीन वायर वाला है ना ये क्या करता है इसमें कुछ वोल्टेज नहीं अभी ये मोटर के साथ उसका कुछ लेना देना नहीं है ये वोल्टेज जो जाता है ये पीसीबी का यहाँ से जाता है सर इसमें बताओ यहाँ पे सर इसमें बताओ कितना जाता है और कितना वापस आता है लिखा है ना उसमें देखो 5 वोल्ट लिखा है 5 वोल्ट 5 वोल्ट बैक और ग्राउंड हाँ जाएगा बराबर है हाँ यानी ये जैसा कनेक्ट हो गया इसमें तो क्या होगा 5 वोल्ट चला जाएगा अंदर बचा हुआ आएगा हाँ और वो रीडिंग करके वो जो अंदर जो एक सेंसर लगा है वो रीड करता है रीडर है बराबर एक छोटा बीच में जैसा मैग्नेट के बीच में घूमता है ना छोटा पीसीबी लगी है और पीसीबी के बीच में वो रीडर है वो उसके बीच में मैग्नेटिक रोटर घूमता है ना तो वो उसको वेरिएबल वोल्टेज करता है कितना वोल्ट आएगा वो 2.1 2.3 ऐसा ही चलते रहेगा ये बच्चों को बताना है ठीक है ये हो गया यानी 5 वोल्ट का गेम भी खत्म हो गया यहाँ पे अब अभी क्या होता है दूसरी बात ये सब चालू हो गया मोटर आपका हाँ, ठीक है अब आता है यहाँ पे दो सेंसर लगे हुए हैं ये सेंसर में मिला के दोनों मिला के 5 वोल्ट है उसको भी निकाल देंगे तो 5 वोल्ट मिलना चाहिए हाँ निकाल दिया ना दोनों का अलग अलग नहीं नहीं एक मिनट नहीं 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 एक मिनट बाद इंडिविजुअल नहीं दोनों को साथ में मिला के 5 वोल्ट है 2.5 दोनों का अच्छा, अभी खत्म हो गया ये 2.5 2.5 ये उसके डिजाइन वाइज यानी जो उसके रेजिस्टेंस की वैल्यू है उसके हिसाब से यानी कॉइल सेंसर की जो रेजिस्टेंस वैल्यू है उसके ऊपर डिपेंड करता है 2.5 2.5 किसी में 2 मिलेगा तो किसी में 2.7 मिलेगा लेकिन ये कनेक्ट पोजीशन में या डिस्कनेक्ट पोजीशन में नहीं नहीं अभी सुनो ना आगे जैसा ही अभी क्या है लेकिन ये आपको वोल्टेज चेक जब भी चेक करना है ये जब कनेक्ट करेंगे ना तो आपको 2.5 2.5 मिल जाएगा जैसा ही आप निकालते हो तो जहाँ पे वो निकालते हैं उधर आपको 5 वोल्ट मिलेगा अब वो क्या होता है ये जो सेंसर कैसे काम करते हैं जो भी है यानी सेंसर इधर लगा है रूम सेंसर यहाँ पे है अभी रूम सेंसर रूम का एयर हवा सेंस करेगा तब उसका वैल्यू बढ़ेगा और कॉइल सेंसर का क्या है डायरेक्ट पाइप पे लगा हुआ है तो जैसा चंद्र अपने इसमें कैसे है जो भी कॉइल सेंसर है यानी पाइप का सेंसर है वो क्या होता है जैसे जितना भी ठंडा होता है तो वो उसका वैल्यू हाई हो जाता है यानी 10K का है तो वो 20K 30K के आसपास चला जाएगा जैसा ही जो भी चीज उसका रेजिस्टेंस का वैल्यू बढ़ता है तो वो वोल्टेज भी खींच लेता है यानी अभी क्या करेगा ये जो है अभी ये दोनों में 5 वोल्ट है 2.5 2.5 जैसा इसका रेजिस्टेंस का वैल्यू हाई हो गया टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा हाँ नहीं टेम्परेचर घट रहा है तो रेजिस्टेंस बढ़ रहा है बढ़ जाएगा ना इसमें का टेम्परेचर घट रहा है ना यहाँ पर बढ़ता है या घटता है टेम्परेचर घटेगा कैसा इधर वैल्यू बढ़ गया ना यानी ठंडा हो गया ना हाँ ठंडा होने पे बढ़ेगा ना रेजिस्टेंस तभी वोल्टेज ड्रॉप होगा अब क्या करेगा ये जो 2.5 है यहाँ से अब 5 वोल्ट में है सुनो ये 5 वोल्ट में से क्या करेगा ये क्या करता है इसमें से वोल्टेज कितना चालू करेगा क्योंकि वोल्टेज कहाँ से मिलेगा क्यों उसके पास दोनों के मिला के 5 वोल्टेज ही है जैसा ये रेजिस्टेंस वैल्यू हाई हो गया तो ये वोल्टेज उसमें से ड्रॉप होने लगा और वे खींचने लगा तो कितना वोल्टेज हो जाएगा कभी कभी वो 4 वोल्टेज लगा गया तो ये क्या हो रहा है ये इनफ है वोल्टेज तो आईसी दूसरा जो प्रोग्राम आईसी है वो उसको कमांड देगा कि मेरे को ऑपरेट करने के लिए आपको प्रॉपर वोल्टेज नहीं है अब मैं बंद हो जाता हूँ तो मशीन कट ऑफ हो गया दोनों सेंसरों के बीच में एक लिंक है, जिसको ज्यादा पावर चाहिए वो अपने आप ले लेता है इंडिविजुअल और दूसरा अपना एग्जाम्पल के लिए आपको मैं बता रहा हूँ वो खाली सिंपल हाँ, चार वोल्टेज वोल्टेज में बहुत सा वेरिएशन रहता है बिल्कुल ठीक ओके खत्म और डिस्प्ले सर डिस्प्ले ओनली डिस्प्ले और हाँ ये भी समझ अभी इसमें क्या है डिस्प्ले भी है ना उसमें भी 5 वोल्ट रहता है और 5 वोल्ट जाता है तो कैसा मालूम है आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं इधर अभी एक कंडेंसर आता है इसके बीच में
अभी वो पीछे की तरफ रहेगा। हाँ तो पीछे की तरफ रहेगा तो उसको कंडेंसर है पीछे, आप उसको लगा के देख सकते हैं मीटर से सिर्फ उस कंडेंसर पे। हाँ उस कंडेंसर पे, उसमें न्यूट्रल और ग्राउंड देखो, एक ये जो कंडेंसर है ऐसे, ये कंडेंसर ही है, इसमें देखो एक मार्क किया है ना न्यूट्रल, और यहाँ पे रहेगा ये जो प्लस प्लस रहेगा, तो उसमें आपको 5 वोल्ट मिलेगा, और यहाँ पे भी आपको ये बीच में वाला ग्राउंड रहेगा तो इसमें आपको 5 वोल्ट मिलेगा। ये ग्राउंड रहेगा बीच में, ठीक है बराबर है, तो दूसरा 5 वोल्ट मिलेगा। अच्छा उसके बगल में बराबर, और इसके पास में भी आपको 5 वोल्ट मिलेगा नहीं, लेकिन वो वेरी वाला जैसे आप रिमोट दबाते हो तो वहाँ पे आप लगाओगे ना वोल्टेज के लिए, तो वो आपको वोल्टेज वेरिएशन दिखाएगा। हाँ, वो जब कमांड करेगा, कमांड करेगा जब, जब वो नहीं करेगा तो 5 वोल्ट वही सही, दोनों तरफ 5-5 जो स्टडी दिखेगा या कुछ भी है। इधर प्लस प्लस किधर दिखाया, ये माइनस है ना, बोलिए ये दिख रहा है माइनस, ओके ये जब एक माइनस है तो दूसरा प्लस रहेगा कॉमन। ये जैक का क्या एक रोल थोड़ा बताएंगे, ये जैक, ये जो चार ये जो जैक है ना, अभी ये जैक नहीं, वो दूसरा पीसीबी जो कोई कोई है उसमें C5 का एरर आता है अपने पास, जम्पर है लेकिन ये जम्पर है ना वो प्रोग्रामिंग के हिसाब से चलता है, यानी कभी कभी आप गलत जम्पर लगाओगे तो पीसीबी मिसमैच होगा। पीसीबी दिखने में दोनों सेम है लेकिन जम्पर आपने गलत लगा दिया, ये कनेक्शन होता है ना पीसीबी में, तो कंफ्यूज हो जाएगा इसमें, इसके लिए मैं नहीं बता रहा। ओके ओके तो मिसमैच हो जाता है पीसीबी, ठीक है। वो सारे सॉर्ट करने के लिए बोल देते हैं, सारे सॉर्ट कर दो, नहीं नहीं चलते, नहीं वो चला तो चला किसी का, नहीं तो नहीं रुला डालेगा पीसीबी, पुराना वाला ही लगा। मैं चेक करता हूं क्या, हां लाइव चेक कर सकते हैं अभी करेंगे ना सर। हां तो वो मीटर लेके आ जाना, एक मीटर आ गया, ये मीटर पे नहीं पता चलेगा, 5 हम लोग वोल्टेज सब कुछ सही से चेक कर सकते हैं। ओके ठीक है चलो, ये इसमें कर देते हैं, नहीं मैं लेके आता हूं, क्यों मालूम है ये डीसी वोल्टेज, ठीक है ना, ये देखो ना इसमें 5 वायर है बराबर है, उसमें क्या है कमांड आईसी के थ्रू जाता है वेरिएबल, उसमें कुछ नहीं है, एक न्यूट्रल एक प्लस, और जैसा ही हाँ जैसा ही सप्लाई एक में जाके दूसरे में जाता है ना, हाँ, वो स्टेप बाय स्टेप चलते रहेगा, कुछ नहीं है, वो भी 12 वोल्ट है। कौन कौन से वायर में 12 वोल्ट आएगा, अरे जैसे वोल्टेज है ना सब में जाता है वो, एक ग्राउंड जाएगा तो ग्राउंड कौन सा ये है ना, किनारे वाला ग्राउंड, बाकी सब में चेक करवा, लेकिन जब रिवर्स में होता है ना वो चेंज कर देता है। ओके अच्छा ग्राउंड भी चेंज होता है, चेंज होते हैं ना ऐसा ही हो, तो कैसा रिवर्स फॉरवर्ड, वॉशिंग मशीन में एक ही मोटर रहता है ना सर, वॉशिंग मशीन में जब हम फेस चेंज होता है ना रोटेट करती है ना, तो ये प्रोग्रामिंग किया हुआ है। अरे सर टी टाइम